किसी के द्वारा उपदेश से वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, स्वयं ही कुछ वैराग्य के कारणों को देख करके और उससे वैराग्य को प्राप्त होता है। अब यदि देखें 2400 भगवान के, तो उसमें कोई नीलांजना के नृत्य से वैराग्य को प्राप्त हो गया, कोई उल्कापात से, कोई मेघ महल के मिटने से, कोई ऋतु परिवर्तन से, कोई दर्पण को देखकर के व्याप्त हो गया, कोई हाथी को उसकी पूर्व भाव को देखकर के स्वयं के पूर्व भाव का स्थान से व्यक्त हो गया, कोई देवों के द्वारा संबोधन से व्यक्त हो गया, और कोई पूर्व भाव के स्मरण से, जाति स्मरण से वैराग्य को प्राप्त हो गया। तो जिन्होंने स्वयं ही वैराग्य को प्राप्त किया है और उन्होंने वैराग्य प्राप्त करने के बाद में केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में उपदेश तो दिया ही, लेकिन आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में भी उपदेश दिया। जब भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, तो 14 कुलकर और उनके 14वें कुलकर के पुत्र ही तीर्थंकर होते हैं, तो वो वहां पर षट कर्म सिखाते हैं। तो असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और श्री, ऐसे षट कर्म उन्होंने सिखाए थे। यहाँ पर कह रहे हैं कुछ लोगों को वित्त कार्य में, आजीविका के साधन में, और कुछ लोगों को मोक्ष मार्ग में। जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में मोक्ष मार्ग में भी उन्होंने प्रबोधिता, यानी उनको प्रबुद्ध किया, जागृत किया। ऐसे आदिनाथ भगवान को हम नित्यम प्रणामी, मैं नित्य प्रणाम करता, बहुत सरल अर्थ है, कोई ज्यादा उसमें विशेषता नहीं है। तो आदिनाथ भगवान के बारे में पहले बताया था कि आदिनाथ भगवान से ही सबसे पहली बार जो जिनवाणी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए प्रतिदिन अपने लिए अध्ययन करना चाहिए। यदि हम अध्ययन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, तो उनका जो अपने ऊपर उपकार है और उसको खुला रहे हैं, उनके उपकार को अपन पूर्ण होने के लिए प्रतिदिन अपने को कुछ स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसीलिए अनध्ययनो ब्रह्माणाम, ये सोमदेव सूर्य का नीति वाक्य पद में सूत्र है, जिसका अर्थ है कि जो अध्ययन नहीं करते वो आदि ब्रह्मा का उपकार को खुला रहा है। इसलिए अपने को प्रतिदिन अध्ययन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। तो इसमें प्रथम जो शब्द आया है, एन स्वयं बोध मयेन, यानी स्वयं बोध को प्राप्त किया था, इसलिए स्वयं को लघु स्वयं को इसको दर्पण इसको कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ में एक हमने खजाना चौबीसी का निर्माण किया था, उसमें 13 प्रश्न एक तीर्थंकर के बारे में अपन जानेंगे। आदिनाथ भगवान की बात चर्चा कर रहे हैं, तो पहले आप सुने वो 13 प्रश्न कौन से हैं। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगा, कौन है दाता प्रथम पारण, कितना है छद्मस्त का मुख्य गणियत, कितने गणधर कहां मिली निर्वाण की माल। अब ये 13 प्रश्न इसमें है, तो अपन आदिनाथ भगवान के बारे में ऐसे 13 प्रश्नों के उनके उत्तर को हम बाद में बताएंगे, पहले आप लोगों से ही मन पूछते हैं। पूर्व में आदिनाथ भगवान ने जब 16 कारण भावनाएं खाई थी, उस समय में उनका नाम क्या था। वज्रनाभि, बहुत अच्छा, वज्रनाभि नाम था उनका, ठीक है। फिर कौन से स्वर से आए थे आदिनाथ भगवान, सबसे ऊंचे सर्वार सिद्धि से आए, सर्वार सिद्धिचित हुए मरु देवी, ऐसा पूजा पढ़ते हैं तो उनका प्रेम भी करें। फिर माता पिता का नाम तो सरल है, मरु देवी और नाभिरा। फिर उनका नगर कौन सा है, अयोध्या हो गया, चिन्ह वृषभ। फिर नाम तो उनका ही है, और क्यों उनको बैराग हुआ, नीलांजना का निर्देश करके। उनको सबसे पहले आहार किसने दिए, राजा श्रेयांश और सौम्रव, और उसके साथ में कितने वर्ष तक वो मुनि अवस्था में रहे, छद्मस्थ 1000 वर्ष,
और उनके कितने गणधर कोई आवाज तो आ रही थी 84 उनके गणधर थे। और कौन से प्रथम गणधर थे उनके? नहीं, इंद्रभूति गौतम गणतम आयुराज का, हाँ उनके गणधर का नाम था वृषभ सेन, जो भरत के भाई थे। और कहां पर उनको निर्माण हुआ? कैलाश पर्वत। तो ये 13 प्रश्नों को इसमें हमने पूछा था, आपने उत्तर दिए। अब इसके उत्तर को भी हमने काव्य बना करके कहा है, आप उसको सुन लें, फिर हम दूसरे भगवान की चर्चा करेंगे। वज्रनाभि चक्री सर्वार सिद्धि से मरुनाभिला वृषभ नाम चिन्ह नगर अयोध्या नत्य नीलांजन लख मुनिमा तान तीर्थ पद नृप से आंस को मुनि पद पर रहे वर्ष हजार वृषभ सेन कणी 84 गिर कैलाश से भव का। अब हम दूसरा काव देखते हैं। इंद्रादि भी क्षीर समुद्र तो यही संस्नापितो मेरु गिरौ जिनेन्द्रः यह काम जेता जन सौख्यकारी तं शुद्ध भावादजितं नमामि इन्द्रादिभिः क्षीर समुद्र तो यही संस्नापितो मेरु गिरौ जिनेन्द्रः यह काम जेता जन सौख्यकारी तं शुद्ध भावादजितं नमामि इन्द्रादिभिः क्षीर समुद्र तो यही संस्नापितो मेरु गिरौ जिनेन्द्रः यः कामजेता जन सौख्यकारी तं शुद्ध भावादजितं नमामि इन्द्रादिभिः क्षीर समुद्र तो यही संस्नापितो मेरु गिरौ जिनेन्द्रः यः कामजेता जन सौख्यकारी तं शुद्ध भावादजितं नमामि। पढ़िए। इस दूसरे काव्य में अजिता भगवान को नमस्कार किया है, जो कि काम जेता है, काम पर विजय प्राप्त की जिन्होंने, और जन सौख्यकारी प्राणी मात्र को सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे जिनेन्द्र जिनका जब जन्म हुआ था तो इंद्रादिधि इंद्रादि के द्वारा क्षीर समुद्र तोये मेरु गिरौ संस्नापितः, यानी क्षीर सिंधु के जल से सुमेरु पर्वत पर जिनका अभिषेक हुआ था, ऐसे तम अजितनाथम अजितम शुद्ध भावा नमामि, ऐसे अजितनाथ भगवान को मैं शुद्ध भावों से नमन करता हूँ। बहुत सरल अर्थ है कि जिन्होंने जिस पर जिस कामदेव ने सब पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे कामदेव को जिन्होंने जीत लिया था, और जो प्राणी मात्र को सुख प्रदान करने वाले थे, और जिनके जन्म होने पर क्षीर सिंधु के द्वारा जिनका मेरु पर इंद्रों के द्वारा अभिषेक किया गया था, ऐसे अजितनाथ भगवान को शुद्ध भावों से मैं नमस्कार करता हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि क्षीर सिंधु के जल से अभिषेक क्यों किया जाता है? क्या उत्तर है आपके पास?
क्षीर सिंधु के जल से भगवान का अभिषेक क्यों किया जाता है? उसमें जो है जीव उत्पन्न नहीं होते, इसलिए ये भी हेतु है। उसके साथ एक हेतु ये भी है कि जिनका रक्त क्षीर के समान है उनके लिए क्षीर सिंधु के जल के माध्यम से अभिषेक किया जाता है। तो ऐसे आदिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ, तो जन्म कल्याण जब होता है तो उस समय में चारों निकाय के देवों को वहां पर कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। कल्पवासी देवों के यहाँ घंटे बजने लगते हैं, अचानक ही घंटों की आवाज आने लगती है, वो समझ जाते हैं कि कहीं पर कोई ना कोई कर्म भूमि में 170 कर्म भूमियां हैं, तो 160 तो शासक हैं और 10 में परिवर्तन होता रहता है, 5 अलग है। तो जैसे ही उनको वहां पर घंटों की आवाज सुनाई देती है, समझ जाते हैं कि कोई तीर्थंकर का कहीं जन्म हो गया। तो उसी समय में उनको उस दिशा में बलिज्ञान का प्रयोग करके जान करके उनको नमन कर लेते हैं। इसी प्रकार से व्यंतरों में भेरी बजने लगती है और ज्योतिष देवों में सिंहनाद होने लगता है और भवनवासियों के यहाँ पर शंख की ध्वनि गूंजने लगती है, तो समझ जाते हैं। फिर वहां पर वो भगवान का अभिषेक करने के लिए सारे देव मिलकर के आते हैं रावत आदि के माध्यम से, और बहुत वहां पर महोत्सव होता है। उसका वर्णन इस दूसरे काव्य में किया। अब दूसरे भगवान के बारे में अपने जो 13 प्रश्न किए थे, अब उन दूसरे भगवान के बारे में आप लोगों के लिए कि पूर्व में उनका क्या नाम था, अजितनाथ भगवान का किसी को याद नहीं है, बस बता देते हैं विमल महान, जिस समय उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, और कौन से स्वर्ग से आए, तो 5 अवतारों में से विजय अवतार से वो आए थे। उनके पिता का नाम जितशत्रु और माता का नाम जयसेना, जन्म उनका भी अयोध्या में हुआ, और अजित उनका नाम अपन जान ही चुके हैं, और उनका चिन्ह क्या है, हाथी गज। फिर उनका वैराग्य का कारण है उल्कापात, और प्रथम जो है दाता ब्रह्मा नाम के राजा, और 12 वर्ष तक वो श्रवण रहे, फिर जिनेश्वर बने। उनके 90 गणधर थे जिसमें सिंह सेन प्रथम नंबर थे, और उनको कहां से मुक्ति मिली, शिखर जी का कौन सा कूट है, अजितनाथ भगवान का सिद्धरूप से उनको मुक्ति मिली। तो अगर इसकी पंक्ति को प्रश्न तो आपको एक बार सुना दिया है, तो बार बार नहीं सुनाएंगे, तो इसको जो अपन जो काव्य के रूप में विमल बहन मुनि विजय अनुत्तर जित शत्रु जय सेना जनम अयोध्या अजित चिन्नगर श्रमण बने लख उल्कापा ब्रह्मा नृप को मिली पारणा बारह वर्ष बाद जिनरा सिंह सैन नब्बे गणधर सिद्धर कूट मुक्ति का। ये हो गया अजितनाथ भगवान। अब संभवनाथ भगवान पर चलते हैं। ध्यान प्रबंध प्रवेण निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्ति स्वरूपा पदवी प्रपेदे। यहाँ पे मुक्ति जो है कि छोटी है और आगे आना सा आ रहा है, तो उसको मुक्ति स्वरूपा पदवी प्रपेदे तन संभवन नौमी महानुरागा ध्यान प्रबंध प्रवेण निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्ति मुक्ति स्वरूपा पदवी प्रपेदे तन संभवन नौमी महानुरागा ध्यान प्रबंध प्रभुवेन निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्ति स्वरूपा पदवी प्रपेदे तं शंभवन्नो महानुरागा
निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्ति स्वरूपा पदवी प्रभेदे तं संभवन्नो मि महानुरागा। पढ़िए एन ध्यान प्रबंध रोगेन समस्त कर्म प्रकृति निहत्य। जिन्होंने ध्यान के निरंतर प्रभाव से सारी कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। इस सामान्य रूप से कहा गया जाता है कि आठों कर्मों को भगवान ने नष्ट कर दिया। वास्तव में सात कर्मों को ही नष्ट किया जाता है। आयु कर्म का नष्ट नहीं किया जाता। आयु कर्म तो अपने समय से ही जाती है। आखिरी में अंतर्भूताई रहती है, बाकी सब कर्म ज्यादा रहते हैं तो उनको छोटा किया जा सकता है, लेकिन आयु कर्म पर कोई उठाना घात नहीं किया। जितनी आयु रहती है उसको तो समय से ही अपने आप ही जाती है, उसको नाश नहीं किया जाता। इसे भी कहने में कि आठ कर्मों को नष्ट किया, यहाँ पर भी इसे कहने में संपूर्ण कर्म प्रकृतियों को नष्ट करके ध्यान के निरंतर प्रभाव से और मुक्ति स्वरूप पदवी प्रभेदे मोक्ष स्वरूप पदवी को स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे संभव नाथ भगवान को महानुरागा नौमी बड़े अनुराग के साथ में नमन करता हूँ। अब यहाँ ध्यान की जो परंपरा रहती है इसके बारे में चार प्रकार के ध्यान होते हैं। आर ध्यान, रो ध्यान। आर ध्यान यानी अपने लिए रोना, वो आर ध्यान है। पापों में प्रसन्न होना, वो रौद्र ध्यान है। भगवान की आज्ञा का पालन करना, वो धर्म ध्यान है। और इनसे ऊपर उठकर के शुक्ल ध्यान जो योगियों के द्वारा होता है, उसके माध्यम से भगवान ने सारे कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष को प्राप्त किया है। तो ऐसे भगवान के लिए यहाँ पर नमन किया गया। अब इसमें तीसरे भगवान संभवनाथ भगवान के बारे में अपन 13 प्रश्नों के बारे में, इनका पूर्व का नाम था विपुल वाहन, पहले था जितना भगवान का विमल वाहन, इनका नाम था विपुल वाहन। और ये ग्रेवेक से आए, तो अधोग्रेवेक, अधोग्रेवेक है तीन तीन के जो है नौ ग्रेवेक होते हैं, तो नीचे के तीन वाले ग्रेवों से आए। इनकी माता का नाम सुषेणा और पिता का नाम दृढ़राज। इनका चिन्ह तो कौन सा है? घोड़ा, अश्व। और इनकी जन्म नगरी श्रावस्ती, समझी शिखर में कोई गजब सिंह हुआ श्रावस्ती। फिर इसके बाद में इनको बैराग्य का कारण है मेघ विलय, मेघ का कुछ अच्छा सुंदर रूप बना और इन्होंने कुछ चित्र बनाने की कोशिश की, उसके पहले ही वो बिगड़ गया। फिर इनकी प्रथम पारणा मुनि बनने के बाद में सुरेंद्र दत्त राजा के यहाँ पर हुई। इनको 14 वर्ष के बाद में केवल ज्ञान हुआ, 14 वर्ष तक छद्मस्थ रहे। और इनके 105 गणधर थे, जिसमें चारों नाम के गणधर मुख्य थे। और इनको कौन से कूप से मुक्ति हुई? धवल कूप से संभवनाथ भगवान को मुक्ति हुई। तो अब ये जो है काव्य आप लोगों के लिए पूरा सुना देते हैं। विपुल वाहन मुनि अधोग्रेयक मात सुषेणा अश्वचिन्न श्रावस्ती संभव मेघ विलय को लख वैरा दत्त सुरेंद्र दि प्रथम पारणा 14 बरस बाद जिनरा 105 चार युत गणधर धवल कूट मोति परिणा। इस प्रकार से संभवनाथ भगवान की स्तुति हुई। अब अभिनंदननाथ भगवान की स्तुति पर चलते। स्वप्ने यदीया जननी क्षमायाम गजादि हन्यंत मिनंद दर्श
यत्तात इत्याह गुरु परोयन नमित प्रमोदा अभिनंदनंतम स्वप्ने यदिया जननी क्षपायां गजाति वन्नंत मिलंत दर्श यत्तात इत्याह गुरु परोयन नमित प्रमोदा अभिनंदनंतम स्वप्ने यदिया जननी क्षपायां गजाति वन्यंत मिलंत दर्श यत्यातिरित्याह गुरु परोयन नमित प्रमोदादभिनन्दनन्तम् स्वप्ने यदीया जननी क्षपायां गजाति वन्यन्तमिदन्ददर्श यत्यातेत्याह गुरुः परोयन् नमित प्रमोदादभिनन्दनन्तम् पढ़िए यदिया जननी जिनकी माता ने क्षमाया मैंने रात्रि में गजाति वन्नंत विदम गज से लेकर के और वन्नी अंत तक सूर्य सपनों को ददर्श ने देखा और यत्तात जिनके पिता ने अयम परह गुरु इति आ ये श्रेष्ठ गुरु हैं परम गुरु हैं तीर्थंकर होने वाले हैं अवधि ज्ञान के माध्यम से जान करके ऐसा बतलाया तम अभिनंदनम प्रमोदा नौमी प्रमोद के साथ में हर्ष के साथ में ऐसे अभिनंदन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो सूर्य स्वप्न माता देखती है उन सूर्य सपनों को हम यदि अपने ध्यान का विषय बनाए तो हमारे ध्यान में रह सकते हैं ज्यादा टफ नहीं है याद करना चाहिए बता सकता है पूरे याद हो नहीं पूरे याद नहीं तो बताते हैं आपके लिए याद करने का बहुत सरल तरीका है कैसा तरीका है सबसे पहले तो एक धारणा रहे कि गज या वृषभ अंदर जाता है आदिनाथ भगवान की माता के वृषभ अंदर गया था और बाकी 23 तीर्थंकरों में गज अंदर गया था आखिरी सपने के रूप में 17वें सपने के रूप में 16 सपनों के बाद में तो उनमें ये दो चीजें तो होगी एक हो गया वृषभ एक हो गया गज और एक रहता है सिंह तो सिंह हो गया अब गज है तो गज के द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए देखते हैं तो वो लक्ष्मी आ गई गज से रिलेटेड हो गई तो गज से पर जोड़िए लक्ष्मी आ गई अब लक्ष्मी का जो अभिषेक कर रहे हैं हाथी तो उनके हाथ में कलश है तो कलश भी एक कलश का युगल भी उनके सपने में है और उससे पानी छूट रहा है पानी तो पानी में वहां पर सरोवर भी है और समुद्र भी है ठीक है और लक्ष्मी सिंहासन पर बैठी है तो सिंहासन आ गया और लक्ष्मी वहां पर जैसे आज लक्ष्मी का दिन मानते हैं लोग लक्ष्मी के पास में धन रहता है तो वहां पर रत्न राशि आ गई इस प्रकार से इतनी चीजें जुड़ गई अब लक्ष्मी का जो निवास है हाँ अभी लक्ष्मी का निवास उसके पहले लक्ष्मी की माला भी ले सकते हैं यहाँ समुद्र में पानी में कमल खिलते हैं तो वहां पर माला आ गई और पानी में ही मछलियां रहती हैं तो वो मछलियों का बीज उगड़ा गया ये हो गई फिर लक्ष्मी का निवास स्वर्ग विमान हो गया इसी के साथ साथ में दूसरा धरणेंद्र का विमान है और इसके बाद में सूर्यमंडल चंद्रमंडल ये दो चीजों को अपन याद रखो और आखिरी में अपनी बस 16 हो गए ऐसे रिलेटेड करके यदि आप याद करोगे तो आपको पूरा जो है ध्यान की भूमिका भी बन सकती है उनका ध्यान करने के लिए अपने पास में जितना अच्छा ज्ञान रहेगा उतना अच्छा अपना ध्यान में मन लग सकता है।
तो ऐसे में 16 सपनों को याद कर सकते हैं और उन 16 सपनों को माता वहां पर देखती है और 16 सपनों के फल को भी यदि अपन समझे तो और भी विस्तार से अपना ध्यान उसमें लग सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिनकी माता ने रात्रि में 16 सपनों को देखा था वो भी कहां से थे, गज से लेकर के अग्नि अंत तक। अच्छा जी कहते हैं 16 नहीं होते 17 होते, 16 सपनों के बाद में 17वें सपने में वहां पर गज या वृषभ उनकी माता के मुख में प्रवेश करता है तो वो 17वां सपना कह करके आता है। वैसे गज और वृषभ दोनों ही 16 सपनों में है इसलिए 16 सपने कहे जाते हैं, वास्तव में तो 16 ही है लेकिन उसको उपमा में यहाँ पर रूपक में 17 भी कह सकते हैं। तो जिनकी माता ने ऐसे सपनों को देखा और जब वो स्वप्न देखती है मनोहर प्रहर में, चार प्रहर होते हैं रात्रि के, चार प्रहर होते हैं और कौन से एक होता है रौद्र प्रहर। शाम को जो अपना प्रारंभ चालू होता है जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके 3 घंटे का जो है रौद्र प्रहर रहता है, उसके बाद में राक्षस प्रहर होता है, फिर इसके बाद में गंधर्व प्रहर आता है, उसके बाद में मनोहर प्रहर होता है। तो रौद्र प्रहर में कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, फिर राक्षस प्रहर में पर सहन कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ में गंधर्व प्रहर में जब गंधर्व जाति के देव किनारियों में आते आराधना करने वो 12 से 3 का समय हम लोगों का रहता है और उसके बाद में सुबह मनोहर प्रहर होता है जिसमें माता स्वप्न देखती है। तो उन स्वप्नों के फल को जानने के लिए वो अपने पति के पास जाती है और अधिज्ञान के माध्यम से जान करके और कहते हैं कि तुम तीर्थंकर की माता बनोगी। तो यहाँ पर उन्होंने देख करके उनके पिता ने कि ये परम गुरु है श्रेष्ठ गुरु है ऐसा उनको बताया था, ऐसे अभिनंदनाथ भगवान को प्रमोद के साथ में हर्ष के साथ में मैं नमस्कार करता हूँ। 3 घंटे का है, 3 घंटे का सूर्य उदय के 3 घंटे पहले ऐसा। हाँ तो उसमें भी जैसा रहता है जैसे या होगा तो जैसे हम बोलते हैं संयम, संयम बोलते हैं तो संयम में वहां पर वो या जैसा अक्षर वा रहेगा तो वा का भी बन संवर माना होगा कि वहां पर या जैसे ही चल संवर अपन लोग बुद्धि धर्म से संवर कर देते हैं लेकिन सही उच्चारण संवर सं ऐसा नहीं करता, या नहीं करता है। फिर लेकिन वहां पर स्वयं वर यहाँ निकलेगा सही उच्चारण करते नहीं है बुद्धि खड़ी के लोग तो सब कुछ मिक्स चलता है। हाँ क्या बात चलेगी वो ला ला का जो है सामने ना से ला के जो है ना से सामने चल जाता है तो या जा ला रा का जो है रणा के साथ सामने जहां से रणा का उच्चारण होता है वहीं से रा का उच्चारण होता है आप देखें टा रा रणा वहीं से होता है उसको जगह जब रा आएगा तो वो रणा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हा के लिए जैसे हम बोलते हैं सिंह ऐसा सिंह ऐसा निकलेगा उसे। वैसे तो जो है सूत्रों में 5 अनुस्वार का दिया है लेकिन जो अपन हिंदी में शब्द बोलते हैं संसार सा के ऊपर बिंदी और आगे सा है तो जब भी सा आगे आता है तो बिंदी ना के रूप में परिणत हो जाती है तो दंती सा के साथ में ना का साम्य है और तालव पेशा का यहाँ के साथ में और जो मूर्धन्य क्षर है उसका टा के साथ में ना के साथ में साम्य है ऐसे जो है जो प्रयोग होते हैं उसके साथ में ऐसा लगा करके करते हैं। तो अपन कौन से भगवान का देख रहे हैं अभिनंदनाथ भगवान का। अभिनंदनाथ भगवान के अपन 13 प्रश्नों को देखें तो पूर्व में उनका नाम महाबल था और वो विजय अनंतर से आए थे, पिता उनके स्वयंवर आप पूछ रहे थे वही आ गया स्वयंवर और माता का नाम सिद्धार्थ था। इनका नगर कौन सा है अयोध्या ही है। इनका चिन्ह बंदर कपि इनका चिन्ह है और इनको भी वैराग्य मेघ पूर्व में इस भाव में वैराग्य इनको मेघ
को देख करके, बादलों को देख करके हुआ था। इनको प्रथम आहार इंद्रदत्त राजा ने दिए। इनका छद्मस्त्र का काल 18 वर्ष है और इनके 103 गणधर थे और इनके पंचनाभि नाम के मुख्य गणधर थे। और कौन से कूप से मुक्ति मिली है? आनंद कूप से। तो इसको अपन काव्य को पढ़ करके देख लेते हैं। विजयनुत्तर आई महाबल पिता स्वयंवर अभिनंदन सिद्धार्थास्त नगर अयोध्या कपि चिन्ह लख मेघ श्रवण इंद्र दत्त है दाता पहले बरस अठारह बाद में जिन वचना भी गणी 103 थे आनंद कूट से मुक्ति गमन। चलिए पांच भगवान समझ में आता, छह जगह भगवानों का एक दिन में लेके कितना टाइम जो हो जाएगा। कुआदिवादं जयतं महान्तं नय प्रमाणै वचनै जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं चेन तं देव देवं सुमतिं नमामि। कुआदिवादं जयतं महान्तं नय प्रमाणे वचने जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं चेन तं देव देवं सुमतिं नमामि। कुवादिवादं जयतः महान्तं नय प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं चेन तं देव देवं सुमतिं नमामि। कुवादिवादं जयता महान्तं नय प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं चेन तं देव देवं सुमतिं नमामि। स्वामीनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए अमर कह रहे हैं नेन महान्तं कुआदिवादं नय प्रमाणे वचने जयता। जिन्होंने बड़े बड़े कुवादी वाद यानी जो वाद विवाद चलते हैं उसमें अपने मत को लेकर के जो बात करते हैं वो कुवादियों के वादों को नए और प्रमाणों के वचनों के द्वारा जीत लिया था। और जगत्सु जैन मतम विस्तृता जब उन कुवादी वादों को जीत लिया तो सब लोगों ने जो भी देखते हैं वहां पर वाद विवाद में तो वो सब लोग की तर्क जो है बड़े अनाट्य हैं ये सही बात कह रहे हैं। तो ऐसे वो सब जो है जैन दर्शन को धर्म को स्वीकार करते थे। तो उन्होंने जैन मतलब विस्तारित किया था, सब जगह फैलाया था। ऐसे देव देवों देवों के देव देवादि देव स्वामीनाथ भगवान को नमस्कार किया है। तो नए और प्रमाण, प्रमाण जो होता है पूर्णता ज्ञान प्रमाण कहलाता है और उसका जब वर्णन किया जाता है तो उसके पार्ट्स में वर्णन होता है। जैसे एक घड़ी को देखा अपन ने तो ये घड़ी को मैंने देख लिया ये एक बटन, अब इसका बटन करेंगे तो ये गोल है कि चौकोर है, फिर अंदर जो है सफेद उसका जो है कि काला है, फिर
उसमें हिंदी के अंक लिखे हैं कि इंग्लिश के अंक लिखे हैं, ऐसे उसका एक ही चीज का जब वर्णन किया जाता है तब वो नए हो जाता है। तो नए उस वस्तु के स्वरूप का जब कथन किया जाता है किसी अपेक्षा से, वो नए कहलाते हैं। और प्रमाण जो है पूर्णता ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। तो नए और प्रमाणों के माध्यम से जो वुकवादी है उनके वादों को जीता। अब एक कई प्रकार के जो है अपन नयों को अपन ने देखा है, व्यवहार निश्चय भी होते हैं, सात प्रकार के नए तत्व सूत्र भी बताए हैं, और एक नए जो है तीन प्रकार से और भी होते हैं। एक होता है अर्थ नय, एक होता है शब्द नय, और एक होता है ज्ञान नय। जैसे महावीर भगवान अर्थ नय से क्या है, अभी वो सिद्ध सलाम में विराजमान है, सिद्ध के रूप में विराजमान है, वो अर्थ नय है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं हो पाता। शब्द में महावीर, तो शब्द के माध्यम से अपना उनसे जुड़ा होता है, वो शब्द नय के द्वारा होता है। और एक ज्ञान नय है, ज्ञान नय में जो अपने अंदर उनकी इमेज बनती है कि उनका कुंडलपुर में जन्म हुआ, उनके पूर्वों को लेकर के सिंह भी थे, ऐसी जो बनती वो ज्ञान नय होता है। तो अपनी जो आराधना चलती है वो शब्द नय के माध्यम से और ज्ञान नय के माध्यम से चलती है। शब्द नय से महावीर शब्द को भी अपन जब उच्चारण करते हैं तो एक अलग भाव होता है, उससे भी विशुद्धि बढ़ती है, लेकिन मुख्यतः से ज्ञान नय के माध्यम से आराधना चलती है। तो ज्ञान नय में अपन जो है पूरे महावीर भगवान को जो जितना जिसने जिसके जितना ज्ञान उनके बारे में है उतनी उसकी ज्ञान की इमेज उसके अंदर में बनती रहेगी। तो उसके माध्यम से ही आराधना अपन कहीं भी कर सकते हैं। मतलब स्वाद ही जैसे बताया था उसमें कि स्वाद ही नहीं है भक्ति का मार्ग, अपन भगवान को जहां चाहो वहां पर अपने ज्ञान नय के माध्यम से उनका स्मरण कर सकते हैं। उसमें अपवित्र अपवित्र हुआ वाली बात भी है, किसी भी अवस्था में अपन उसका स्मरण करने में कोई बाधा नहीं। शब्द नय का यदि अपन मन में सोच रहे हैं तो भी कोई बाधा नहीं, लेकिन यदि उसका उच्चारण कर रहे हैं तो शुद्धि की आवश्यकता है। तो उस ज्ञान नय के माध्यम से अपन कैसी भी अवस्था में उनका चिंतन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ऐसी नयों के माध्यम से नय का जो विस्तार है इतना जो व्यवस्थित है जैन दर्शन में, लेकिन उसको जो समझ नहीं पाते हैं उसके माध्यम से उनकी हानि भी हो जाती है, लेकिन जो इसको समझ लेता है वो उसके माध्यम से जो जिनागर के जितने भी रहस्य हैं उनको समझ सकता है। तो ऐसे स्वामीनाथ भगवान ने उनके नए और प्रमाणों के वचनों से उन उपवादियों के वादों को जीत लिया, और जीतने के माध्यम से पूरे जगत में त्रिलोकों में उन्होंने जैन मत के शासन का विस्तार किया। ऐसे स्वामीनाथ भगवान को नमस्कार। स्वामीनाथ भगवान के बारे में पूर्वों का नाम उनका रतिशयन, और इनका स्वर्ग है वैजयंत, पांचवा सब विजय वैजयंत नहीं, पांचवा सब नहीं, पांचवें तीर्थंकर है वैजयंत, वहां पर पांच अंतर में वैजयंत होता है। इनके पिता का नाम मेघरथ और माता का नाम मंगला, चिन्ह कौन सा है चकवा, और नगर अयोध्या ही। फिर इनको पूर्व भव का स्मरण जाति स्मरण के माध्यम से वैराग्य हुआ, और पद्मनाथ राजा के यहाँ पर इनके प्रथम आहार हुए, 20 वर्ष इनका छद्मस्थ का काल है, और इनके 116 ग्रंथ, सबसे ज्यादा ग्रंथ स्वामीनाथ भगवान के ही है, और जिसमें अमर मुख्य है, और कौन से कुछ से मुक्ति हुई अभिचल कूट से मुक्ति रतिशयन वैजयंत समाये पिता मेघरथ मंगला चिन्ह चकवा सुमति अयोध्या बने श्रमण कर अति पंचाश्चर्य पदम नृप पाए 20 बरस छद्मस्थ रहे अमर आदि गणी 116 अभिचल कूट से सिद्ध हुए। चलिए छठे भगवान पद्म प्रवण छठे भगवान को अपन रोज लेंगे। यस्यावतारे सति पितृधिष्णये।
ववर्ष लग्नानि हरेर निदेशा धना विपर्षन नवमास पूर्वं धना विपर्षन नवमास पूर्वं पद्म प्रवंतं प्रणमामि साधुं यस्यावतारे सति पितृभिष्णये ववर्ष रत्नानि हरिर्निदेशा धनाधिपर्षन् नवमास पूर्वं पद्म प्रभन्तं प्रणमामि साधुं यस्यावतारे सति पितृभिष्णये ववर्ष रत्नानि हरिर्निदेशा धनाधिपहषन् नवमास पूर्वं पद्म प्रभन्तं प्रणमामि साधुं यस्यावतारे सति पितृभिष्णये ववर्ष रत्नानि हरिर्निदेशा धनाधिपहषन् नवमास पूर्वं पद्म प्रभन्तं प्रणमामि साधुं भगवान का नाम पद्म प्रभ है। हम पद्म प्रभु पद्म प्रभु बोलते रहते हैं, लेकिन सही नाम उनका पद्म प्रभ, उसने सुना था। तो ऐसे पद्म भगवान की स्थिति में यहाँ पर कह रहे हैं, यस्य अवतारे सती, जिनके अवतार होने पर, जन्म होने पर, हरेर निदेशा, हरि के निर्देश, हरि जो है इंद्र का पर्यायवाची है, तो उसके निर्देश से, उसके आदेश से, उसकी आज्ञा से, धनादेव, धन अधेव, यानी कुबेर, तो धन का अधिपति कुबेर, पितृधिष्णये, पितृ यानी पिता के, धिष्णये शब्द जो है आंगन के लिए आता है, तो पिता के आंगन में शन्नो मास पूर्वम, छह महीने और नौ महीने, पंद्रह महीने तक, छह महीने गर्भ के पहले और नौ महीने गर्भ के ऐसे पंद्रह महीने तक, रत्नानी बवर्ष, वहां पर रत्नों की वर्षा करता है, ऐसे पद्म भगवान को प्रणामी, मैं प्रणाम करता हूं। तो इंद्र की आज्ञा से जैसे ही छह महीने बचते हैं और वो वहां पर उनको संकेत दे देता है कुबेर को बुलाकर कि उस नगरी को स्वर्णिम बनाओ, उनके महल को वहां पर रत्नों की वर्षा करो, और तीन संध्या काल में वहां पर साढ़े साढ़े तीन करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, और उस समय में वहां के जितने भी याचक रहते हैं सब धनवान हो जाते हैं, कोई भी गरीब वहां पर उस नगरी में नहीं रहता। तो ऐसे जो रत्नों की वर्षा वहां पर होती है पंद्रह महीने तक, तो इसका वर्णन है वह पंचाश्रम में भी, जब किसी राजा के यहाँ पर जब आहार होते हैं तो वहां भी पंचाश्रम में रत्नों की वर्षा होती है। पंचाश्रम में पांच कौन कौन से हैं, एक है रत्नों की वृष्टि, एक है पुष्प की वृष्टि, और बहती है वहां पर मंद सुगंध समीर, इसके साथ साथ में जय जयकार की ध्वनि होती है और दुदुभी का नाम, ऐसे पंचाश्रम जिस राजा के यहाँ पर आहार होते हैं तीर्थंकरों के, और कोई भी देखता है मुनिराजों के भी पंचाश्रम वहां पर होते हैं, तो वो ऐसे वहां पर भी रत्नों की वृष्टि होती है। तो यहाँ पर मुख्यतः से भगवान के माता का ये वैभव जैसे कह सकते हैं, माता का अतिशय कह सकते हैं कि उनके प्रभाव से वहां पर पंद्रह महीने, वैसे तीर्थंकर प्रभाव है कि माता का वहां पर बहुत मान पड़ जाता है उसके माध्यम से, ऐसे पंद्रह महीने तक वहां पर रत्नों की वर्षा होती है। तो उन पद्म भगवान को जिनकी माता के द्वारा ऐसा सारा कार्य होता है,
इसका वर्णन इस अर्थ में किया है। अब पद्म भगवान के लिए पूर्व होगा नाम इनका अपराजित, और ये उर्द गिरवेग से आए थे। जैसे याद रखने के लिए तीसरे छठे और सातवें, सातवें भगवान भी जो आएंगे कल, वो भी गिरवेग से आए हैं। तो तीसरे भगवान अधो गिरवेग से थे और ये उर्द गिरवेग से हैं, और सुपार्श्वनाथ भगवान मध्यम गिरवेग से। तो उर्द गिरवेग से आए थे स्वर्ग से। इनकी माता का नाम सुषिमा और पिता का नाम धरण, और इनकी आभा भी जो है पद्म के समान थी, चिन्ह भी इनका वही था पद्म, और नाम भी इनका पद्म प्रभ, ऐसा करके तीनों चीजें मिला करके। और कौशाम्बी नगरी में इनका जन्म हुआ, और गति के भवों को सुनकर के इनको वैराग्य हुआ। इनका और बीसवे भगवान महेश्वर नाथ भगवान का दो का गज से संबंध है, तो गज के भवों को सुनकर के इनको अपने भव की याद आई और उसके माध्यम से इनको वैराग्य हुआ। सोमदत्त नर के यहाँ पर इनकी प्रथम पारणा हुई, और छह महीने मात्र में इन्होंने जिनवर पद को प्राप्त कर लिया। और इनके 110 ग्रंथर थे, जिसमें चांद्र वचन नाम के ग्रंथर मुख्य थे। और कौन से मोह कूट से पद्म प्रभाव बता रहे थे, मोहन कूट से इनको मुक्ति प्राप्त हुई है। अपराजित मुनि ऊर्ध्व ग्रेवेयक, मात सुसीमा पिता धरण, प्रभा पर्म सम चिन्न नाम भी, कौशाम्बी गज भव सुन मुन, सोम दत्त नृप ग्रहण पारणा, जिन वर बने बिता छह मास, चामर बज गणी 110, मोहन कूट से मुक्ति प्रवास। तो ऐसे जो है पद्म भगवान की विपन्न स्थिति कर ली। अब जो है छह भगवान की स्थिति एक बार हम उच्चारण करके बता रहे हैं आप लोग मेरे साथ साथ में। एन स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिता केचन वित्तकार्ये, प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्, इन्द्रादिभिः क्षीरसमुद्रतोयै, संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः, यः कामजेता जनसौख्यकारी, शुद्ध भावादज तन्नमामि, ध्यान प्रबंध प्रभुवेन येन, निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता, मुक्ति स्वरूपा पदवी प्रपेदे, संभवन्नोमि महानुरागा, स्वप्ने यदि या जननी क्षपायां, गजादिवन्यन्तमिदन्ततर्ष, यत्या तेत्याह गुरुः परोऽयम्, नौमि प्रमोदादभिनन्दनन्तम्, कुवादिवादं जयतः महान्तम्, नय प्रमाणैरुपचनैर्जगत्सु, जैनं मतं विस्तरितं च येन,
तंदेव देवं सोमतिं नमामि यस्यावतारे सति पितृधिष्णये वर्षरत्नानि हरिर्निदेशा धनाधिपदर्शन् नवमास पूर्वम् पद्म प्रभन्तं प्रणमामि साधुम् आप अगर चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। सुबह सुबह उठकर के जैसे साधु चौकी से भगवान की स्तुति करते हैं, वैसे भी यदि आप इसको छोटे जो है शंभू को याद कर लें, बहुत सरल प्रांतीय भाषा में है कि भगवान के लिए एक श्लोक, इसके माध्यम से आप लोग अपने प्रातः काल को धन्य बना सकते हैं। तो इसमें आप लोग यदि प्रयास करेंगे तो हमारा सिखाने का जो प्रयास है सफल हो जाए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हम ही ने रहे जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाति कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाटी